प्रदेश में जो पानी के कनेक्शंस हैं, पानी के जो कनेक्शंस हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे पानी के कनेक्शन पे चार्जेस लिए जाते थे। शहरों में, अर्बन एरियाज़ में, एमसीज़ में, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, एमसीज़ में आज भी जो है वो इनके चार्जेस, पानी के कनेक्शन के चार्जेस लिए जाते हैं। मगर क्योंकि 2022 में चुनाव से ठीक पहले मई महीने में, मई 2022 में पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पानी के कलेक्शन, पानी के थे कनेक्शंस थे, उनके चार्जेस को वेव ऑफ करके उसको ख़त्म कर दिया था। और उसकी वजह से जो है आईपीएच डिपार्टमेंट के ऊपर भारी लाइबिलिटीज़ जो है वो पड़ी हुई थी, और पानी को सुचारू रूप से चलाने में आईपीएच डिपार्टमेंट को दिक्कत आ रही थी। हिमाचल प्रदेश में लगभग 800 करोड़ रुपए का जो बिल है वो पानी आईपीएच डिपार्टमेंट जो है बिजली के को देने पड़ते हैं। आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो दोबारा से जो पानी के कनेक्शंस है उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाएंगे, और चार्जेस में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में लोग हैं, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, एमएलएस है, आईपीएस ऑफिसर्स है, क्लास वन ऑफिसर्स है, जजेस हैं, ठीक बड़े बड़े लोग हैं, इनकम टैक्स पे ही है, उनके ऊपर जो है वो 100 रुपये महीने के हिसाब से मंथली, 100 रुपये महीने के हिसाब से जो पीने के कनेक्शन पे है चार्जेस वो लगाए जाएंगे। और कुछ कैटेगरीज को इससे बाहर रखा गया है, जिसमें से कि जिन लोगों की, गरीब लोगों की आय जिनकी 50,000 रुपये से कम है, विडोज़ है, डेसीच्यूट्स है, एकल नारी है, हैंडीकैप लोग हैं, उनके ऊपर जो है ये 100 रुपये महीने के पानी के टैप के चार्जेस जो है वो नहीं लगाए।